कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन है, एक नया सफ़र। तो मैं हूँ वसीम अकरम, आपका दोस्त, और मैं हूँ इस समय अजमेर शरीफ में। तो अजमेर शरीफ में आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा ही होगा, मैंने सारी जो भी रूटीन बाय रूटीन जो भी चीज़ें थी आपको बताई। और अभी मैं हूँ इस समय दरगाह शरीफ में अजमेर में। तो आगे अब क्या क्या कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ, अभी तो मेरा दरगाह में ही बहुत देर रुकने का मन है। और टाइम को देखते हुए अगर मेरा प्लान बना है तो यहाँ पे मेरे को कहीं और भी जाना है। अगर वहाँ जाता हूँ मैं तो वो भी आपको इस ब्लॉग में करता हूँ, तो शुरू बताऊँगा इस ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं अपना आज का नया ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू दोस्तों, मैं हूँ वसीम अकरम, आपका दोस्त, और आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में खुश आमदीद। तो अभी मैं यहाँ पे मैं अजमेर दरगाह में हूँ, और एक और नई चीज़ मुझे यहाँ पता चली है कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये ख्वाजा साहब के बेटे हैं, और नाम इनका अबू सईद बताया जा रहा है। ऊपर जो मेन नाम हजरत ख्वाजा सैयद जियाउद्दीन अबू सईद सरकार। अब अगर अबू सईद सरकार का यहाँ पे अगर मज़ार है, ओरिजिनल मज़ार बताया जा रहा है यहाँ पे, मतलब यहीं पे उनका जो है मज़ार असली यहीं पे, अगर ये अबू सईद सरकार है तो जो जावरा में फिर अबू सईद है जिनका कहा जाता है कि यहाँ बशारत ली थी उन्होंने, तो सोचने वाली बात है कि फिर वो वहाँ पे दरगाह, मतलब एक ये मिस्ट्री बन गई है। तो अपन कोशिश करेंगे इसको मालूमात करने की कि क्या है इन दोनों दरगाह में ऐसे, मतलब क्योंकि ये बात सही है कि ख्वाजा साहब के तीन बेटे थे, एक बेटे का मज़ार यहीं है, एक बेटे का मज़ार है सरवार शरीफ में, और एक और जो बेटे थे वो 12 साल की उम्र में यहाँ किसी बात को लेके वो यहाँ से चले गए थे घर से, उसके बाद से वो घर नहीं आए कभी, पता नहीं चला उनका कि वो कहाँ चले गए, क्या हुआ। तो अभी तक ये था कि एक बेटे की यहाँ है और एक बेटे सरवार शरीफ में, मुझे ये पता था। और जो अबू सईद सरकार थी, मैंने कभी यहाँ गौर नहीं करा कि अबू सईद सरकार की यहाँ पे दरगाह। तो अब जो जावरा में है उस दरगाह का मुझे एक डाउट है, मालूम करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ पे अजमेर में मुहर्रम में ताज़िया रखा था, मैं खुद भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, बताता हूँ आपको जगह जहाँ ताज़िया रखा था, यहाँ पर ताज़िया रखा था है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नाम लिखे हुए, अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, ये यहाँ ये वो जगह है जहाँ मुहर्रम में ताज़िया रखा था, ये यहाँ पे रखा था ताज़िया, सामने जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे। और जो मेन एक और इमाम बारगाह जिसके लिए मैं यहाँ आया था वो मुझे मिली नहीं, मैं उसके उधर जाता हूँ मालूम करके। इमाम बारगाह का पता मिल गया, इमाम बारगाह तो आपको आना है 5 नंबर गेट, 5 नंबर गेट से 16 स्टूडियो पर आना है, वहाँ से ये वाला रास्ता मिल जाएगा आपको। आगे आपको लेफ्ट या राइट में एक बार पूछ लेना, मुझे भी पता नहीं, अपन भी पूछते हैं वहाँ जाके। मैं आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बारगाह में, जो आज तक मैंने फ़ोन में देखी, आज पहली बार रियल में देखना आ गया। मैं बताता हूँ आपको इस गली से सीधे आने के बाद है वो इमाम बारगाह, ये आप देख सकते हैं, यहाँ अपन चलते अपन अंदर। हाँ यही है वो इमाम बारगाह, ये जो मैंने आज तक फ़ोन में देखी थी, मोबाइल में, इंस्टाग्राम वगैरह पर, ये इमाम बारगाह। यहाँ से निकलता है अजमेर में जो ताज़िया निकलता है, जो ताज़िया बनता है दरगाह की तरफ, वो यहाँ आके रखा था इमाम बारगाह में, और यहीं से फिर वो अपनी जुलूस के तौर पर निकलता है यहाँ पे। तो अपन आ चुके हैं इमाम बारगाह में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमाम बारगाह है यहाँ पे। दोस्तों आपने ताज़िया देखा ही होगा, लेकिन मुहर्रम के बगैर ये जो ताज़िया यहाँ पे बना हुआ है ये परमानेंटली है, ज़ारत के तौर पे जो लोग आते हैं यहाँ इसी ताज़िया की ज़ारत करते हैं, ये हमेशा यहाँ रहता है। और आप देख सकते हैं मौला अब्बास का जो नक्श बोलते पानी भरने का, जो भी नाम मैं भूल गया हूँ, है ना, तो यहाँ पर मुहर्रम का सामान भी रखा है। और ये इमाम बारगाह यहीं पर इसी तख्त पर शायद वो ताज़िया रखाता है। तो अपन आ गए थे इमाम बारगाह के अंदर, गर्मी बहुत है, पसीना हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं पास ही मुबारक के पास में यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपने देख लिया है इमाम बारगाह, और अब अपन चलते हैं वापस दरगाह में जहाँ अपने दोस्त सलमान भाई अपना इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अलम भी लगा रखा है, देखो परचम काफ़ी बड़ा है मौला गाजी अब्बास का। अपन अच्छा दोस्तों एक और चीज़ है, इमाम बारगाह में ताज़िया था, और कितनी छोटी गलियाँ यहाँ पे, देखो बाहर तक जाता ताज़िया। तो अभी ये गेट से बाहर आता है, ये यहाँ पे इतनी जगह है और इतनी सकड़ी गली है, यहाँ से जो है ताज़िया जाता है आगे, मतलब ये भी एक जिंदा मौजूद ही है।
क्योंकि ताज़िए की जो हाइट है, फिर लोगों की भीड़ है। अपन चलते हैं दरगाह में और वहीं से आगे अपन चलते हैं, बाइक उठाते हैं अपनी और चलते हैं। तो ये ख्वाजा साहब के बेटे हैं हज़रत ख्वाजा सैयद जियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं और जा रहे हैं मदार टेकरी चिल्ले पे। हमारा कुछ और प्लान था लेकिन वो पोस्टपोन करना पड़ा हमारे को टाइम को देखते हुए। तो हमें ये फिर अजमेर मिलिट्री स्टेशन में लिया था और ये इधर मदार टेकरी के रास्ते से हम जा रहे हैं आगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी मदार साहब चिल्ला पे और इधर ऊपर टेकरी पे भी उनका चिल्ला मुबारक है और हम आए नीचे यहाँ पे। काफ़ी सालों बाद मेरे मम्मी और पापा के साथ जब छोटा था तब आया था यहाँ पे और अब आ जा रहा हूँ। ये है यहाँ पे नीचे मदार साहब का चिल्ला ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, जो आपको अजमेर में जब आप आते हो और तारागढ़ जैसी घाटी के ऊपर जो आपको एक छोटा सा मज़ार दिखता है ऊपर, तो वो यही है। मैं वहीं खड़ा हूँ और थोड़ा ऊपर जाने का रास्ता हैगा, कुछ एक डेढ़ घंटा लगता है। तो हम लोग नीचे से ही जारत करके नीचे वाले चिल्ले की और फिर जाएंगे। हम चलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, बहुत टाइट लगा हुआ है। दरवाज़ा खोल लिया अपनों ने और ये बना हुआ है यहाँ पर मदार साहब का चिल्ला। अच्छा ऐसा बताते हैं कि मेन जो चिल्ला है वो यहीं है नीचे। जो ज़्यादा वक्त जो उन्होंने बिताया था वो यहीं बिताया था, ऊपर तो बस इसी मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पर मेन बताते हैं कि बोले मेन यही है। दोस्तों मैं आ गया अंदर और आप देख सकते हैं ये है मदार साहब का चिल्ला और उधर भी किसी का मज़ार बना है शायद, और इस पर भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। पुराना तो देखो आप थोड़ा रिपेयर का काम दिख सकता है, यहाँ पे छत डली है, गुंबद बना नया और यही है मदार साहब का चिल्ला जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे तिजारत मतलब इमदाद का काम चल रहा है और जो भी लोग इमदाद करना चाहे इस कमेटी की, तो ये हमारे भाईजान हैं, इनका नाम है फरीद भाई। आप इनसे रब्ता करके यहाँ लोकल के लोग, बाहर से आने वाले लोग यहाँ पे काम आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर काम इन्होंने करवा दिया। यहाँ पे गुम्बज बनवा दी है, छत बढ़वा दी है, बाकी कोई भी काम होता है पैसों के बगैर नहीं होता है। तो आप लोग से जो जो मेहनत मदद बन सकती है वो यहाँ पे आप कराएं, और ये हमारे भाईजान हैं, इन ये संभालते हैं यहाँ की कमेटी, तो इनसे रब्ता कर सकते हैं आप। आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं पूरी बात। तो दोस्तों अपन मदार टेकरी से निकल के वापस दरगाह बाजार जा रहे थे और रास्ते में अपनों को ये रेलवे कोच रेस्टोरेंट नाश्ता पॉइंट दिखा तो अपन यहाँ रुके हैं। सीक्रेट ये है कि पीछे कबाड़ खाना बना रखा और आगे वीआईपी खाना। सो गाइस रेस्टोरेंट में तो खाना है, नाश्ते के तौर पे कुछ भी नहीं है। तो अभी शाम की बज रही है कुछ 5:30, तो हम जा रहे हैं वापस दरगाह में। मतलब नाश्ते के तौर पर रुके थे हम, के थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लाइटली, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी है और खाने का है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, तो मन नहीं है कॉफ़ी का। खाना हमें वेज खाना नहीं है, तो ठीक है बस चलते हैं फिर यहाँ से। बस इसी ट्रेन वगैरह को देख के थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया था तो रुक गए थे अपन। ट्रेंड है वो फुल्ली मस्त एयर कंडीशन है, तो बस अपन चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, टाइम कम है अपने पास। दोस्तों अभी हम दरगाह जा रहे थे और रास्ते में रुक गए छोले कुलचे देख के, क्योंकि अपनों ने आज तक कभी छोले कुलचे खाए नहीं है। ये दिल्ली या पंजाब की फेमस डिश है छोले कुलचे, तो आज पहली बार अपनों को अजमेर में दिख गए थे अंकल श्री श्याम छोले कुलचे सेंटर। तो यहाँ पर मैं रुक गया हूँ छोले कुलचे देख के और अब अपन एक प्लेट छोले कुलचे खाएँगे, टेस्ट करेंगे किस तरह से कैसे बनते हैं क्या बनते हैं और एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसे लगते छोले कुलचे। अभी जितने भी छोले कुलचे थे सब एक फनर से डाल के पूरा क्लीन कर दिया, तो ये आप बन रहा अपना छोला कुलचे। ये क्या डाला अंकल? मक्खन, मक्खन डाल दिए गए हैं। अभी ये गर्म हो रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा धनिया आ गया है सूखा धनिया, वो भी प्लेट है लग रही है। प्लेट अपनी हो गई है तैयार, आ चुकी है अपनी कुलचे की प्लेट और अपन ट्राई मारते हैं कैसा लगता है। बहुत स्वादिष्ट, आप अभी अजमेर आते हैं जरूर आए।
मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। ओए होए बहुत गर्म है, गर्म बहुत ज़्यादा। तो भाई छोले कुलचे तो अपनों ने खा लिए, अब अपन चलते। और हाँ, छोले कुलचे अच्छे थे भाई, बढ़िया चीज़ थी, कोई डाउट। तो दरगाह मार्केट में और यहाँ पे छोल के अंदर सजावट की तैयारी चल रही है। गाइस अभी मैं गया था दरगाह मार्केट, मुझे कुछ सामान खरीदना था जो मैंने खरीद चुका हूँ। और अब हमें खाना वाना खा के दरगाह में हाजिरी दे के निकलना है बस। तो मतलब ना जबरदस्ती टाइम बुलाना है, बताता हूँ मैं आपको। अभी तो टाइम है हमें अजमेर छोड़ते हुए। इस अब हमने खाना वाना भी खा लिया है, होटल में कवर नहीं कर पाया, टाइम कम है हमारे पास। तभी निकल रहे अपन स्टेशन के लिए। आ चुका हूँ अजमेर के रेलवे स्टेशन। बहुत शाम के टाइम से बहुत फुर्तीला काम हो गया था, तो बहुत सारी जगह और काम है, शूट नहीं कर पाया लोगों में। तो अभी आ गया अपन अजमेर स्टेशन और चल रहा अपन अपने घर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। 3 मिनट बाद ट्रेन भी चलने वाली है।